हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम जो ओडी जो हमारा चल रहा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। उसी का ये थर्ड वीडियो लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। अगर इससे पहले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और मैं प्लेलिस्ट में भी है ना ओडी करके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करके बनाया हुआ है, ठीक है ना। आज हम स्पेशली सॉल्यूशन ऑफ ओडी, उनके जो टाइप्स हैं उन पे बात करेंगे। जैसे जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सिंगुलर सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो एग्जांपल्स, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो कन्फ्यूजनेबल कॉन्सेप्ट में से है ना, तो उसको हम क्लियर करेंगे पूरी अच्छी तरह से, ठीक है ना। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। ओके, और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ओडी, और वो है सॉल्यूशन ऑफ ओडी, ठीक है ना। तो होता क्या है, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली नॉर्मली किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना, सही है ना। अब यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओडी है, और स्पेशली हम सिंपल ओडी पे बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। ओडी में दो अलग अलग होगा, एक सिस्टम ऑफ ओडी, एक सिंपल ओडी। सिस्टम में क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है अगर वो एक से ज़्यादा है तो सिस्टम में आ जाएगा, अलग अलग ओडी मिलेंगे, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जैक्टली वन है, आपको समझ लीजिए क्या है सिंपल ओडी, और सिंपल पर ही हम बात करेंगे। ओडी के सिचुएशन में, सिंपल ओडी के सिचुएशन में जो सॉल्यूशन होता है उनकी खासियत क्या होती है, तो उनकी खासियत होती है ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पैटर्न में आता है, क्योंकि नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके डेरिवेटिव्स होंगे, तो जो सॉल्यूशन आता है ना वो एक्स और वाई के फॉर्म में आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में आता है। सिंपल से बोलूँ तो कर्व के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रख रहे हैं, तो किसी भी सिंपल ओडी का जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली एक कर्व होता है, ठीक है ना। तो उसको डेफिनेशन में अच्छे से समझिए, जैसे मैंने है ना एक जनरल फॉर्म में लिया है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई वाई डज वाई डबल डज एंड सो ऑन वाई एंथ डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो बी एनथ ऑर्डर ओडी, ठीक है ना। एनथ ऑर्डर ओडी है ना, ये डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, डी एक्स डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, ऐसे करते करते डी एन वाई बाई डी एक्स एन होगा। ओके, एनथ ऑर्डर ओडी है, देन सॉल्यूशन ऑफ ओडी इज रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, स्पेशली कहूँ तो सॉल्यूशन, और वो किस फॉर्म में होगा, फाई ऑफ एक्स वाई सी वन सी टू एंड सी वन सी एन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक चीज़ गौर कर रहे हैं, जितनी ऑर्डर होती है एग्जैक्टली उतनी ही आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सी वन सी टू सी कितने गए, सी एन तक गए ना, क्लियर है। तो ये बेसिकली क्या हुआ है, कर्व, इस बात को ध्यान रखिए, है ना, ठीक है। इफ़ कंडीशन ये है, फाई फाई डेज फाई डबल डेज एंड सॉन फाई इंथरेटिव एग्जिस्ट, है ना, इस बात को ध्यान रखना। ये nth ऑर्डर ओडी है, मैं इसको सॉल्यूशन बोलूँगा, इसका कंडीशन ये है, और ये रियल या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सॉल्यूशन हो सकता है। खासियत ये है कि ये सबसे पहले चीज़ तो जितनी ऑर्डर है ना एग्जैक्टली उतने ऑर्डर तक है ना ये एग्जिस्ट करना चाहिए, और दूसरी बात सेटिस्फाई करना चाहिए इस ओडी को, मतलब सिंपल सी बात, हम इस फाई को इसमें रखते हैं तो सेटिस्फाई होता है LHS इक्वल्स टू RHS होता है, ये दोनों, ठीक है। वैसे इस लाइन को बस बोलूँगा तो भी चल जाएगा, फाई सेटिस्फाइज गिवन ओडी बोल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली बात है, सेटिस्फाई करने का मतलब यही है कि जितनी ऑर्डर है उतने ऑर्डर तक तो उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब बात आती है ना सॉल्यूशन का, ये डेफिनेशन मैं बता दिया है ना, और उसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये बता दिया कि कर्व होता है ना, और इम्पॉर्टेंट इस बात का है कि इनका जो टाइप्स है उनको हम कैसे समझेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ ओडी, ठीक है ना, स्पेशली मैं किसके बात कर रहा हूँ, सिंपल ओडी पे बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप होगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और अच्छे से नोट कीजिए, है ना, ठीक है। कॉपी में भी और यहाँ भी, दोनों जगह नोट करना अच्छे से, है ना। तीन टाइप होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एग्जैक्टली थ्री टाइप्स ऑफ ओडी, है ना। ओके, तो जो फर्स्ट टाइप है वही मेन है, ध्यान रखना, और वो है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं डेफिनेशन दिया हूँ ना, ये जनरल सॉल्यूशन का है, तो नॉर्मल सी बात है जब डेफिनेशन दी जाती है तो जनरल फॉर्म में दिया जाता है ना। ओके, जनरल सॉल्यूशन होता है जिसमें ऑब्वियस सी बात है आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होंगे, इंक्लूडिंग आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, और आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट की वजह से ही जनरल है भाई, क्योंकि तो इसके जो चॉइस है वो आर्बिट्ररी है ना। अगर हमारा आर से आ रहा है तो पूरे आर से ही आ रहा होगा हर एक वैल्यू, तो सोचिए कितने सारे सॉल्यूशन हो, बहुत सारे हो जाएंगे ना। तो एक तरह से बोलूँ तो फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस भी कह सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स भी कह सकता हूँ मैं, यही है जनरल सॉल्यूशन। अब बात आती है जनरल सॉल्यूशन में जो एक एक जो मेंबर्स होंगे फैमिली में, है ना, ठीक है। यानी सिंपल सी बात कहूँ, जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है उसकी फिक्स वैल्यू रख दो, है ना, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसको हम डेफिनेशन में क्या देख सकते हैं,
ऑप्टेंड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्टेंड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन जो मिला होगा ना उसी में कांस्टेंट की वैल्यू जब हम रख देंगे तो जो मिलता जाएगा जो सॉल्यूशन है ना, जो सिंगल अलग अलग मिलेगा, वो जो इंडिविजुअली जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी आपका मिला है, जैसे है ना वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी करके, ये जनरल सॉल्यूशन हुआ किसी ओडी का, हाँ। अब सी की वैल्यू अगर जैसे मैं 1 रख दिया है ना, तो वाई इक्वल टू होगा एक्स प्लस 1, ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सी की वैल्यू 0 रख दो, वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सी की वैल्यूज आप रखते जाओगे तो मिलता जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसलिए मैंने लिखा ऑप्टेंड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, क्लियर हो गया। अब तीसरा जो है ना आपको पता होना चाहिए, है ना, तीसरा है सिंगुलर सॉल्यूशन, परफेक्ट है ना। नाउ व्हाट इज सिंगुलर सॉल्यूशन, इसका मैं अलग से डेफिनेशन देकर के बताऊंगा, क्योंकि जो हमें मिलता है वो जनरल सॉल्यूशन होता है और यहाँ से जो मिलता है पर्टिकुलर होता है, जो भी नया चीज़ है वो है सिंगुलर। अब सिंगुलर सॉल्यूशन का बेसिकली मैं यहाँ बोल देता हूँ, डज नॉट ऑप्टेंड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। सिंगुलर मैंने सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन होने का मतलब गिवन ओडी को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है ना। लेकिन खास बात है नॉट ऑप्टेंड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, लेकिन जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलता है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग है जनरल सॉल्यूशन से, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, जनरल सॉल्यूशन से अलग है मतलब इससे भी अलग हुआ, तो दोनों से हट के बिल्कुल एक सॉल्यूशन है, इसलिए सिंगुलर कहा गया है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, अ सॉल्यूशन ऑफ ओडी विच इज़ नॉट ऑप्टेंड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। डेफिनेशन देखिए, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, पूरा सिंगुलर सॉल्यूशन का पूरा हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ ओडी विच इज नॉट ऑप्टेंड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, ये बात तो क्लियर हो गया था कि ओडी का सॉल्यूशन है लेकिन जनरल सॉल्यूशन से ऑप्टेंड नहीं किया जा सकता, बिल्कुल जनरल सॉल्यूशन से अलग है ना, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल करके, ठीक है ना। अब बात आती है इसका जो और क्या डेफिनेशन हो सकता है ना, और इसका जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे उसी का मेन यूज होगा, और वो है द इनवलप ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ ओडी इज सेट टू बी, ये इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ ओडी, ठीक है ना। इनवलप ऑफ जनरल सॉल्यूशन या फिर इनवलप टू द जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी जनरल सॉल्यूशन है उसकी जो इनवलप होती है उसी इनवलप को एक्चुअल में हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। आखिर में जनरल सॉल्यूशन से लिंक है, बट जनरल सॉल्यूशन से डायरेक्ट लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट लिंक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इनवलप ऑफ जनरल सॉल्यूशन होता ही है। अब बात आती है इनवलप ऑफ जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले चीज़ तो बात ये है, जनरल सॉल्यूशन होता है फैमिली ऑफ कर्व्स, और किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स का हम इनवलप निकालते हैं। तो इनवलप का डेफिनेशन क्या होता है, वैसे आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं यह डेफिनेशन दे भी दिया हूँ ताकि यहाँ से हम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकें, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इनवलप के बारे में क्लियर नहीं होगा, पढ़े होंगे लेकिन क्लियर नहीं किए होंगे, तो उनके लिए बेस्ट है ये चीज़, यहाँ पूरा एक एक चीज़ हम क्लियर करेंगे, अच्छे से समझिए और इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो इनवलप जिसे हम हिंदी में अनवलोप करके बोलते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है इनवलप का डेफिनेशन, देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दिया था कि फैमिली ऑफ कर्व्स जो होता है ना उसी का इनवलप देखा जाता है ना, और हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स होता है, ये बात ध्यान रखिए, है ना। लेट एफ ऑफ एक्स वाई वाई डिज वाई डबल डिज एंड वाई एंथ डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो बी एनथ ऑर्डर ओडी एंड लेट फाई ऑफ एक्स वाई सी वन सी टू एंड सी एन इक्वल टू जीरो बी जनरल सॉल्यूशन ऑफ ओडी दैट इज फैमिली ऑफ कर्व्स ऑफ ओडी, इतना क्लियर है ना। तो जो भी जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एक क्या होता है फैमिली ऑफ कर्व्स होता है ना, वो ये है, ये आपका एनथ ऑर्डर ओडी है, ये उनका जनरल सॉल्यूशन है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसका इनवलप हम देखेंगे, देन अ कर्व, तो इनवलप एक कर्व होता है, ठीक है ना, एक नॉर्मल कर्व, एक पर्टिकुलर कर्व हम कह सकते हैं, ठीक है ना, जो एक्स वाई के फॉर्म में रहेगा। देन अ कर्व साई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इज सेट टू बी इनवलप ऑफ जनरल सॉल्यूशन या फिर इनवलप टू द जनरल सॉल्यूशन इफ फॉर, है ना, अ कर्व साई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इज सेट टू बी इनवलप ऑफ जनरल सॉल्यूशन इफ फॉर एवरी मेंबर्स ऑफ जनरल सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट्स अ पॉइंट एक्स वाई ऑन साई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो सच दैट अ टेंजेंट द मेंबर्स ऑफ जनरल सॉल्यूशन एट एक्स वाई करके, कुछ क्लियर हो रहा है ना, कि पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, ध्यान से समझिए। ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा सेंटेंस है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इफ के बाद वाला स्टेप को समझो, फॉर एवरी मेंबर्स ऑफ जनरल सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट्स पॉइंट आप ले लीजिए एक्स वाई ऑन साई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो
इज टेंजेंट द मेंबर्स ऑफ जनरल सॉल्यूशन एट एक्स वाई करके क्या बोला जा रहा है ना, ध्यान से समझिए, है ना। मैंने कहा पूरा चीज़ों को अच्छे समझो, इफ़ फॉर एवरी मेंबर्स ऑफ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के जितने भी मेंबर्स होंगे हर एक मेंबर्स के करेस्पॉन्डिंग कम से कम एक पॉइंट किसका है ना, ये कर्व का इस तरह से मिले कि वो जो पॉइंट है ना उस पॉइंट पर जनरल सॉल्यूशन के मेंबर क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है ना। एक बार मैं पूरी तरह से स्ट्रक्चर क्लियर कर लेता हूँ। एक हुआ आपका ओडी nth ऑर्डर ओडी, एक हुआ उनका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन है फैमिली ऑफ कर्व्स। अब क्या बोला जा रहा है, फैमिली ऑफ कर्व्स है तो उनके जितने फैमिली में क्या होते हैं मेंबर्स होते हैं ना, तो जो जितने भी कर्व्स होंगे पर्टिकुलर वो सबके सब मेंबर्स हैं उनके, इतना हो गया। अब ध्यान से समझिए, हमने कर्व लिया साई ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो, उस कर्व को मैं जनरल सॉल्यूशन का इन्वेलप बोलूँगा। कंडीशन ये है कि जनरल सॉल्यूशन के हर एक मेंबर के करेस्पॉन्डिंग मुझे वो जो कर्व मैं लिया था ना साई ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो, उस पर कम से कम एक पॉइंट मुझे मिल जाए कि उस पॉइंट है ना और जो मेंबर है वो दोनों क्या करना चाहिए, टेंजेंट करना चाहिए। यानी कि मेंबर उस पॉइंट पर टेंजेंट करता है, टच करता है, सीधी सी बात ये है। हर एक मेंबर के करेस्पॉन्डिंग जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे हर एक मेंबर के लिए आपको वो जो कर्व साई ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो उसमें पॉइंट मिल जाना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन के हर एक मेंबर के लिए इसमें साई ऑफ एक्स वाई इक्वल जीरो में पॉइंट मिल जाना चाहिए कि उस पॉइंट पर वो जो मेंबर है वो क्या करे, टेंजेंट करे। क्लियर हुआ ना, बार बार इसको पढ़िए है ना, खुद से रियलाइज़ कीजिए, क्लियर जरूर होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, उसमें जनरल सॉल्यूशन का भी एग्जांपल हो जाएगा, पर्टिकुलर भी वहाँ से देख लेंगे और सिंगुलर भी देख लेंगे, वहाँ से इन्वेलप का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स देखिए, मैं फर्स्ट एग्जांपल लिया हूँ, कंसिडर एन ओडी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, है ना। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मैं एग्जांपल लिया हूँ। हम ऐसा एग्जांपल जो है ईजी से शुरू करना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। ओके, तो मैं बैक टू बैक एक दो एग्जांपल लूँगा, डोंट वरी, है ना, और डायग्राम भी बनाऊँगा ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्व करने का तरीका क्या है, वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी वाई होगा, है ना। तो यहाँ से फिर आप जो है सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, है ना। तो डी एक्स अपॉन एक्स होगा, डी वाई अपॉन वाई होगा, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो पहले इसको डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेटिंग जब करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मैं लाइन से लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और यहाँ प्लस कुछ नहीं था तो जीरो था, इंटीग्रेशन हो करके वो हो गया कॉन्स्टेंट, ये हम मानते हैं, इतना तो क्लियर है ना, ठीक है। जो भी यहाँ पर था प्लस कुछ नहीं तो जीरो। अब जस्ट अपोजिट कीजिए ना, इसका जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो यही स्टेप आना चाहिए, इनका इंटीग्रेशन से यही स्टेप आना चाहिए, तो यहाँ जीरो है तो यहाँ कॉन्स्टेंट आएगा ही आएगा, ठीक है ना। जब हम मेथड जब पढ़ेंगे ना किसी भी ओडी को सॉल्यूशन करने का, सेकंड चैप्टर में पूरा मेथड ही है, तो उसमें भी मैं इस बारे में और बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाता है लॉग वाई, ये हो जाता है लॉग एक्स, और ये हो जाता है ना। आप चाहें तो इसको सी वन ले लो, इसके बाद फिर हम ले लेते हैं लॉग सी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम अपने है ना सुविधा के लिए कॉन्स्टेंट है ना सी वन को ले लिए हैं लॉग सी करके, है ना। अब यहाँ पे लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी एक्स या फिर एक्स सी करके, है ना, लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन टू एन, दोनों तरफ से लॉग कैंसिल हुआ, वाई इक्वल टू सी एक्स करके, इतना क्लियर हुआ। और आपको इतना पता है ना कि लॉग के साथ जो भी रहता है वो पॉजिटिव रहता है, तो वाई ग्रेटर देन जीरो है, एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, अब ये जो कॉन्स्टेंट होगा सी वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, इतना क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तीनों के तीनों ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ मेन खेल है सी का, ध्यान रखना है ना, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। और सी की जो च्वाइस है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो ये जो मिला है ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन, परफेक्ट, ये ओडी है ना इसका, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख देता हूँ है ना, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, है ना, जनरल सॉल्यूशन या फिर जी एस करके शॉर्ट में, ऑफ गिवन ओडी, इतना क्लियर है, है ना। वाई इक्वल टू सी एक्स जनरल सॉल्यूशन है। अब दूसरे तरीके से अगर समझें तो ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स, सही है ना। सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो सी की वैल्यू हाफ रखो हाफ एक्स, है ना, वन रखो वन एक्स, यानी वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू थ्री एक्स, क्या आ रहा है, लाइन्स आ रहे हैं ना, फैमिली ऑफ कर्व्स बोलो या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बोलो, एक ही मतलब है, है ना। तो इस ओडी का जो जनरल सॉल्यूशन है फैमिली ऑफ कर्व्स हुआ, इतना क्लियर हुआ। ओके, और जो इंडिविजुअली जो एक एक लाइन जो मिलेगा ना वो हुआ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। सी की वैल्यू जैसे मैंने वन रखा
तो y इक्वल टू एक्स आ गया, c इक्वल टू मैंने अगर 2 रखा तो y इक्वल टू 2x आ गया। तो ये क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। परफेक्ट ना? जब आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ेंगे जिसमें कुछ कंडीशन दिया रहता है तो वो कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए होता है। तो आखिर में क्या होता है कि है ना, c की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, c की वैल्यू पुट करने से जो आती है वैल्यू वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है ना? तो जनरल सॉल्यूशन के जो मेंबर्स होते हैं वो भी सॉल्यूशन होता है, और वो क्या होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सी की वैल्यू पुट करते हो exactly जो मिलता है वही क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इतना क्लियर हो गया ना? तो जनरल और पर्टिकुलर का मैं एग्जांपल दे दिया, अब क्या देखेंगे बताइए? सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल जिसे हम कहते हैं, है ना? तो बताइए इसमें विचित्र हल क्या होगा, है ना? सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा? वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स माइनस डी एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो है ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त न हो। अ सॉल्यूशन डज नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन इज सेट टू बी सिंगुलर सॉल्यूशन। अब इसमें आप रख करके देखो, डायरेक्ट अगर दिमाग लगा सकते हो तो डायरेक्ट दिमाग लगाओ, अदरवाइज आप जो है इन्वेलप के जरिए जाइए, है ना? वाई इक्वल टू सी एक्स का जो इन्वेलप होगा, जनरल सॉल्यूशन है ना, जनरल सॉल्यूशन का जो इन्वेलप होगा वही इनका क्या होगा? सिंगुलर सॉल्यूशन। मैं डायरेक्ट देख के समझ पा रहा हूँ, फिर उसका भी बता दूंगा। डायरेक्ट देख के मुझे पता चल रहा है कि वाई इक्वल टू जीरो, आप ध्यान से देखिए, y इक्वल टू अगर मैं जीरो रखता हूँ तो ये जीरो होने से ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना? और जीरो है तो उनका डेरिवेटिव भी जीरो, अब इनसे टकराएगा फिर जीरो, तो जीरो माइनस जीरो क्या आ रहा है? जीरो। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, वाई इक्वल टू जीरो इज सॉल्यूशन ऑफ ओ डी, क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सेटिस्फाई कर रहा है ना भैया, तो इज सॉल्यूशन ऑफ ओ डी बट नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो y इक्वल टू जो सी एक्स है उसमें c की वैल्यू पॉजिटिव है, है ना? और x और y तो पॉजिटिव है ही डेफिनेशन में, खैर c से मेन कॉन्सेप्ट है, c की वैल्यू पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, c कभी जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ कभी भी इन जनरल जीरो आएगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेंड हो रहा है क्या? नहीं। तो y इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन तो है, सेटिस्फाई कर रहा है, सॉल्यूशन है, है ना, बट नॉट ऑब्टेंड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, हैंस y इक्वल टू जीरो इज सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? मैं तीनों के बारे में पूरा बता दिया हूँ, ठीक है ना? अब मैं डायग्राम देता हूँ और इन्वेलप के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता हूँ। आखिर में y इक्वल टू जो जीरो है वो ग्राफिकली क्या है? कर्व है। कौन सा कर्व है? एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, x एक्सिस ही तो y इक्वल टू जीरो होगा भैया, वही एग्जैक्टली इसका क्या होगा? इन्वेलप। और वही एक्चुअल में क्या होगा? इनका सिंगुलर सॉल्यूशन। ग्राफ देखिए, x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन है O, ऑब्वियसली इसकी जो कोऑर्डिनेट होती है वो 0,0 होती है, ये x एक्सिस ही हमारा y इक्वल टू जीरो लाइन है, ठीक है ना? फोकस कीजिए, है ना? तो y इक्वल टू सी एक्स आपका जनरल सॉल्यूशन है, तो इनके जितने भी मेंबर्स होंगे y इक्वल टू 1/2x, है ना, y इक्वल टू, ठीक है, 1/4x, y इक्वल टू 1/8x, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, ऐसे पूरे होंगे, ठीक है? तो और आपको ये भी पता है कि x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0 मतलब हमारा जो डोमेन है वो 0 टू इन्फिनिटी है, है ना? तो ये 0 टू इन्फिनिटी यानी 0 को छोड़ करके इधर जितने भी होंगे सब के सब, ठीक है ना? और उनके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस आ रहे हैं वो भी y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है? तो y ग्रेटर देन 0, ठीक है? और हमें पता है y इक्वल टू जो ग्राफ बनेंगे, है ना, सी एक्स का जो ग्राफ है यानी y इक्वल टू 1/2x, y इक्वल टू 1/4x जितने भी होंगे, ठीक है ना, y इक्वल टू 1/4x, 1/2x इस तरह से, है ना, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x ऐसे पूरे होंगे, तो जी बहुत सारे होंगे, इनफिनाइटली मेनी, क्लियर है ना? तो ये जितने भी लाइंस हैं, है ना, ये क्या है? ओवरऑल अगर मैं इन जनरल बोलूँ तो फैमिली ऑफ कर्व्स, जिसको आप y इक्वल टू सी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वेयर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, जिसमें आप c की वैल्यू रखते जाते हो, तो जितने मेंबर्स हैं से इंडिविजुअली हर एक मेंबर क्या हुआ? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात आती है ये y इक्वल टू 0 क्या है? अपने को पता है y इक्वल टू 0 यहाँ से ऑप्टेंड नहीं होता है, इसीलिए सिंगुलर सॉल्यूशन है सेटिस्फाई करता है, ठीक है, क्लियर है? बात आती है अब इन्वेलप है कि नहीं, इन्वेलप के थ्रू डेफिनेशन देख रहे हैं। ये हुआ फैमिली ऑफ कर्व्स, इस फैमिली ऑफ कर्व्स का ये इन्वेलप है कि नहीं, तो डेफिनेशन में जाइए देखिए, है ना, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो जनरल सॉल्यूशन है उसके हर एक मेंबर के करेस्पॉन्डिंग इस पर एक पॉइंट ऐसा मिल जाना चाहिए कि उस पॉइंट पर वो टेंजेंट मतलब सिर्फ टच होता है, ठीक है ना, और इंटरसेक्टिंग मतलब उसको पूरा, है ना, उसको छू करके आगे बढ़ जाए, है ना, क्रॉस करके आगे बढ़ जाए या क्रॉस कर जाए, ये आपका होता है इंटरसेक्टिंग, लेकिन टेंजेंट मतलब टच करने की बात होती है। तो ये जो 0,0 पॉइंट है ना, ठीक है, जस्ट उसको छोड़ करके पूरे सब के सब इस तरह से डिफाइन, दिमाग लगाइए, सोचिए, अब देखिए हर एक मेंबर के करस्पॉन्डिंग इस पर एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है कि उस पॉइंट पर वो टेंजेंट हो रहा है, टच कर रहा है, क्लियर ना? आप ये मेंबर लो,
ठीक है, तो आपको ये पॉइंट मिला, आप ये मेंबर लो तो आपको ये पॉइंट मिला। तो फैमिली ऑफ जो कॉज है, जो जनरल सॉल्यूशन है, हर एक मेंबर के लिए, हर एक मेंबर, जो भी मेंबर उठाना उठा लीजिए, हर एक मेंबर के लिए आपको इस कर्व पर एक पॉइंट मिल रहा है कि उस पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, इनवलप है, इसका मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल टू देखिए, कंसीडर एन ओडी वाइड इज इक्वल्स टू टू रूट वाई, ठीक है ना, फोकस कीजिए। वाइड इज मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू, रूट वाई मीन्स वाई टू दी पावर हाफ, ठीक है ना। ओके, सेपरेट कीजिए, क्या हो जाएगा ये, डी वाई अपॉन वाई टू दी पावर हाफ इक्वल्स टू टू इंटू डी एक्स, या फिर वाई टू दी पावर माइनस हाफ इंटू डी वाई इक्वल्स टू टू इंटू डी एक्स। इतना क्लियर हुआ है ना? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक, इंटीग्रेटिंग कीजिए, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे तो वाई पावर माइनस हाफ इंटू डी वाई इक्वल टू टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस, यहाँ कुछ नहीं मतलब जीरो, तो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, वाई टू दी पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, तो वाई पावर हाफ अपॉन हाफ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस सी करके, है ना, तो ये हो जाएगा टू वाई टू दी पावर हाफ इक्वल्स टू टू एक्स प्लस सी करके, ठीक है ना। इसको सी वन ले लीजिए, है ना, तो यहाँ से वाई पावर हाफ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टू को मैं डिवाइड कर दिया ना, तो एक्स प्लस सी वन अपॉन टू आएगा, जिसको सी नाम दे देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, क्या मिल गया भैया, जनरल सॉल्यूशन, विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ODE, परफेक्ट ना। और यहाँ एक्स और वाई की जो चॉइस, ऑब्वियसली एक्स पूरे रियल होंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और जो आउटपुट मिलेगा यहाँ से पता चल रहा है वाई निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें मेन बात है सी से, तो सी बिलोंग्स टू आर, क्लियर हुआ। तो सी की जो चॉइस है वो आर्बिट्रेरी है, और हमने को पता है पूरा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पूरा निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सी की जो चॉइस है ना, वो आर्बिट्रेरी। तो ये हुआ फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है ना। आप देख के समझ आ रहे हैं, वाई इक्वल टू इसका स्क्वायर, मतलब ये पैराबोला के फॉर्म में, इतना क्लियर हुआ। और C की चॉइस आर्बिट्रेरी, तो C की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, तो जो मेंबर्स होंगे इनके वो क्या होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे C की वैल्यू अगर जीरो है, है ना, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। C की वैल्यू अगर माइनस वन है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन स्क्वायर। C की वैल्यू अगर प्लस वन है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन स्क्वायर। क्लियर है ना, इस तरह से सोच सकते हैं आप, बहुत सारे होंगे, है ना, इन्फिनिटली में नहीं होंगे। तो ये सब क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन, ये सब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, दोनों समझ आ गया। अब हम देखेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा, उनका इनवलप होता है। एक तो डेफिनेशन के थ्रू जा सकते हो, है ना, एक ऐसा सॉल्यूशन जो यहाँ से ऑब्टेन ना हो। मुझे पता है, देख के समझ आ रहा है, वाई डज इक्वल टू रूट वाई, है ना, वाई इक्वल टू जीरो ही यहाँ पर भी देखिए, ध्यान से देखिए, वाई इक्वल टू जीरो अगर रखेंगे, है ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और इधर उसका डेरिवेटिव भी जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है, वाई जीरो है तो डी वाई बाई एक्स भी जीरो होगा, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, एल एच एस इक्वल टू आर एच, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये सॉल्यूशन है। और ख़ास बात, y इक्वल टू जीरो यहाँ से ऑप्टेंड होगा क्या, c की वैल्यू आप निगेटिव रखो, पॉजिटिव, इवन जीरो भी रख दो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, कभी इन जनरल जीरो होगा ही नहीं, पैराबोला होगा। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ऑप्टेंड नहीं होगा, y इक्वल टू जीरो इज सोल्यूशन ऑफ ODE बट नॉट ऑप्टेंड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन, एंड सो दिस विल बी सिंगुलर सोल्यूशन, विचित्र हल। क्लियर है, अब इसको ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं, इनवलप के थ्रू, है ना। ग्राफ देखिए, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन है वो जिसके कोऑर्डिनेट होती है 0, 0, है ना, ये आपका x एक्सिस है, इसमें होगा y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 हुआ ना, ठीक है। फोकस कीजिए, देख सकते हैं पूरा पैराबोला मैंने बनाया है, तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आपका जो है, है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है, ओवरऑल y इक्वल टू x प्लस सी स्क्वायर, जो कि है जनरल सॉल्यूशन। अब इसके जितने भी मेंबर्स होंगे, है ना, y इक्वल टू x स्क्वायर है, y इक्वल टू, जैसे है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ, y इक्वल टू एक्स प्लस वन स्क्वायर हुआ, x प्लस टू स्क्वायर, x प्लस थ्री स्क्वायर, इधर x माइनस वन स्क्वायर, x माइनस टू स्क्वायर, ऐसे, और बहुत सारे ऐसे नहीं, कितना बस, ये ऐसे भी बनेगा, ऐसे ही बनेगा, बहुत सारे भाई, ठीक है ना। आप यहाँ सोच भी नहीं सकते, पूरा सघन तरीके से, डेंस तरीके से बनेगा, क्लियर, लेकिन ऐसे इसी तरीके से होगा। बात क्लियर हो रही है, मेन बात यह है कि जो फैमिली ऑफ कर्व्स लिया गया है, यानी हर एक मेंबर के करेस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं दोनों एग्जांपल्स आप इंटरले, है ना, कीजिए। पहले वाले में दिया था, तो मैंने बोला था कि हर एक मेंबर के करेस्पॉन्डिंग आपको, है ना, y इक्वल टू जीरो जो लाइन है, यानी एक्सिस है, उसमें आपको ओरिजिन मिल रहा था, सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा था हर एक मेंबर के करेस्पॉन्डिंग। डेफिनेशन तो अप्लाई हो रहा था, क्योंकि हर एक मेंबर के करेस्पॉन्डिंग आपको एक पॉइंट मिल रहा था कि उस पॉइंट को टेंजेंट करे। यहाँ देखिए, हर एक पॉइंट, हर एक मेंबर के करेस्पॉन्डिंग अलग अलग पॉइंट मिलेगा, है ना। आप अगर इस मेंबर को लेते हो,
तो इस पर आपको पॉइंट मिलेगा ओरिजिन। अगर ये लेते हो तो इस पर पॉइंट मिलेगा ये वाला, अगर ये लेते हो तो इस पर पॉइंट मिलेगा ये वाला, अगर ये लेते हो तो इस पर पॉइंट मिलेगा ये वाला, अगर ये लेते हो तो इस पर पॉइंट मिलेगा ये वाला, अगर ये लेते हो तो इस पर पॉइंट मिलेगा ये वाला। बात क्लियर हो रही ना? तो हर एक मेंबर के करेस्पॉन्डिंग है ना, ये जो एक्स एक्सिस है ये वाई कोऑर्डिनेट लाइन है, इसमें है ना हर एक मेंबर के करेस्पॉन्डिंग आपको एक एक पॉइंट मिलता जाएगा कि उस पर वो क्या करता है, वो जो मेंबर है वो क्या करता है, टेंजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये क्या है, ये जो कर्व है वो क्या है, इनवलप है। और इसका मतलब क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? खुद से एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेहिचक बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी चीज़ आज बताया गया क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखेंगे लेकिन शेयर नहीं करते, तो शेयर जरूर कीजिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है स्प्रेड होना चाहिए, ठीक है ना। और CSIR नेट के जो भी चीज़ है, चाहे सेट का हो, है ना, ITJM का हो, मैं शुरू से अब तक ऑथेंटिक वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। ऑथेंटिक का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि छोटा छोटे टुकड़े में डाल दिया, है ना, मुझे मज़ा आ रहा है बस वो डाल दिया, ऐसा नहीं। पूरा लाइन से हर एक टॉपिक पे वीडियो कर रहा हूँ मैं। रियल एनालिसिस स्टार्ट किया था, उसके बाद पूरा कंप्लीट वो सीरीज़ हुआ, उसके बाद फिर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट किया, फिर ग्रुप थ्योरी कंप्लीट किया, फिर रिंग थ्योरी कंप्लीट किया, है ना। उसके बाद फिर मैं लीनियर अलजेब्रा भी कंप्लीट लगभग कर लिया हूँ, एक जो चैप्टर बचा हुआ है हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके करेंगे उसको, और ODV भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें दे सकूँ, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वीडियो में कवर कर सकूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से बुक ले लेना चाहिए, लेकिन जितने भी चीज़ बताया जा रहा है ना, उसको अगर नोट्स बनाते हैं ना, गारंटी देता हूँ आप सेट क्वालिफाई कर लेंगे, इवन आप नेट भी क्वालिफाई कर लेंगे। मैं इसीलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, और रीजनिंग पोर्शन भी चल रहा है, उन वीडियोज़ को भी जरूर देखिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ठीक है ना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।